वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी हैं और आप और जो नहीं हैं उन सबको भी हैप्पी होली। क्या बेटू, देखो देखो, हैप्पी होली करो, हैप्पी होली करो, देखो हैप्पी होली। तो हम लोग कलर लगना स्टार्ट हो गया। आप लोग होली खेले कि नहीं खेले? हम लोग होली खेलना शुरू कर दिए हैं। क्या कर रहे हो? ये तो आप सभी को हैप्पी होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अच्छे से होली खेलिए, सेफ होली खेलिएगा, किसी को हार्मफुल ना हो और बच्चों को दूर रखिएगा रंग वाली होली से। अभी वाली होली ही खेलिएगा बच्चों के साथ। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है होली में कि जैसे सबके यहाँ पे होली के फेस्टिवल पे सबके यहाँ पे बहुत कुछ बनता है। होली का जो भी मन मीठा होता है, गुजिया होता है, ये सारी चीज़ें बनती हैं, पुआ हुआ। बट क्या बेटू, क्या उतार दें? वो नहीं उतारते लल्ला, वो नहीं उतारेंगे बेटू, वो नहीं उतारना है वरना पूरा आपका पैर खराब हो जाएगा। ये बात नहीं करने देगी। मैं आप लोगों से बात करती हूँ। आप लोग होली के लिए इंजॉय करिए और बाकी बातें मैं बाद में करती हूँ। क्या उतार दें? क्या उतार दूं? क्या उतार दें? क्या उतार दें बेटू को? क्या उतार दें? क्या जूता उतारना है? क्या पूरा पैर खराब हो जाएगा? क्या? ओ देखो देखो, कोई क्या बोलेगा, कितना बैड हो। इतना पूछ दे दो, जल्दी से पूछ दो, उतारे इतना दे दो। पकड़ो मामा को, पकड़ो मामा को, उतार दे। हाँ लो, ये भी उतार दें। उतार दिए। हैप्पी क्या करना है? यही दिखाओगे आप, यही दिखाओगे बिट्टू। तो हमारी होली स्टार्ट हो गई है। आई होप आप लोग की होली स्टार्ट हो गई। इनसे मिलिए, ये है मेरी जो मेरे चाचा ससुर हैं उनके छोटे बेटे। हाय करिए, हाय करिए, हेलो कर दे। जो मेरे चाचा ससुर हैं उनके छोटे वाले बेटे हैं। मैंने बड़ा बेटे से मिलाया था आपको पहले के ब्लॉग में। छोटे वाले बेटे हैं उनके। क्या कर रहे हो? उनको जूता थमा रहे हो? जरा तो जूता जूता करके जाके जूता करके रखो। तो मत दो उनको गंदा चीज़, गंदा बैग रख दो। दो हम रख दे, दो हम रख दे। क्या करना है? जाओ खेलो, देखो जाओ, उज्जू भैया खेल रहे, जाओ खेलो उज्जू भैया के साथ। बेटू हो गया नाराज? ये देखो, क्यों थमा रहे हो उनको बेटू? जूता क्यों थमा रहे हो? क्या करो आपके जूते का? ऐसा होता ही है ये चीज़। बहुत लोगों के यहाँ पैसा नहीं होता बट हमारे यहाँ पैसा होता है। रंग खेलने के बाद ही छानने वाला कोई भी आइटम चीज़, मतलब जो भी आइटम होता है खाने पीने वाला, छानने वाला चीज़, वो सारी चीज़ें रंग खेलने के बाद ही होती हैं। सो अभी इतना थोड़ा साफ सुथरा दिख रहे हैं बट अभी पता नहीं कौन कहाँ किधर से रंग डाल देगा। मेरे ननद लोग भी हैं, मेरे देवर भी हैं और बाकी मेरे हस्बैंड हैं तो आज गए हुए हैं ऑफिस। इतना 4 घंटे का ही ड्यूटी है। आज हमारी एनिवर्सरी है, मिस कर दो। कैमरा को मिस करना है क्या? वो कर ही जैसा नहीं लग रहा है किसी को, तो घर में पता भी नहीं है, मतलब पता क्या, याद ही नहीं होगा कि हमारी एनिवर्सरी है। बट हो गया इस साल होली पे है तो, और यहाँ होली मनाया, एनिवर्सरी मनाया तो हो गया। रूम पे रहते हैं, मतलब ऐसा व्यवस्था होता तो होते बट यहाँ पे घर गाँव में इतना व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे एनिवर्सरी मना जाए, होली ही हो जाए, इतना काफ़ी है। पूरा गाँव गया, सुंदर लग रहा है, मुँह छुअन भी हो। आ गया ऑफिस से, मैं इन्हीं का वेट कर रही थी। मम्मी तो बोले थे जाके नहा लो नहा लो नहा लो, मैं लेकिन वेट कर रही थी इनका कि ये आ जाए, उसके बाद ही फिर इनके सामने थोड़ा सा रंग मतलब अबीर लगा लें, उसके बाद फिर जाके नहाए। तो जाके चले गए नहाने के लिए। ऑलरेडी भूत बने हुए हैं हमारी एनिवर्सरी भी याद है, बट किसी को याद नहीं है। हमारे साथ शायद 34 सालगिरह जब कंप्लीट हो गई अच्छे से, राजी खुशी बढ़िया से, सब अच्छे से। मतलब हमारा सब 4 साल बीत गया नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मतलब अभी भी 1 ही साल या 1.5 साल ऐसे लगता है, हुआ है, नहीं लगता 4 साल में हमारे साथ। बट यहाँ पर सब कोई मतलब उतना, क्योंकि घर गाँव जैसे माहौल में सबको पता होता है, घर गाँव में इतना कोई इस चीज़ को मतलब बहुत महत्व नहीं देता है। कोई बर्थडे हो या कोई एनिवर्सरी हो, ऐसा इतना कोई मतलब नहीं करता है। बच्चों का है तो चलो ठीक है, वो भी बार 1 साल 2 साल है तो चलो ठीक है, बट अगर मतलब बड़े लोगों की बात करें तो इतना घर गाँव में सब चीज़ नहीं चलता है। और मतलब रहेगा उतना लोग पसंद भी नहीं करते, करेंगे तो भी मतलब उतना कुछ मतलब इस चीज़ को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। जो कभी नहीं हुआ तो अचानक से चीज़ करना, रूम पे तो अलग बात होती, वहाँ पे मैं करती सेलिब्रेट करती, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था भी नहीं हो पाएगा। और अच्छा भी मतलब अच्छा क्या मतलब शायद उतना थोड़ा सा ऑकवर्ड मतलब अजीब लगेगा, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है तो अचानक से करना, तो कभी किए नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे रूम पे रहते हैं हम, जिस हम शुरू शादी के बाद मैं हल्का से रूम पे ही रही हूँ, तो वहाँ पे जब भी हुआ है तो मैंने सेलिब्रेट किया है। बट मैंने घर पे ये पहली बार मैं फंसा है, मतलब पहली बार ऐसा है जब मैं मेरे घर पे मेरा एनिवर्सरी फंसा है, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे जब किसी को नहीं रुकना है तो घर का माहौल आप लोगों को पता होगा कैसा होता है घर गाँव में, तो इसलिए बस यहाँ पे नहीं। चंदन